आदमी उस पर मैं आपके साथ रिजवान खान देश के जाने माने शायर की बेटी मना वो राणा साहब दोनों पर शायद एफ आई आर हुआ ना आप लोगों पर लखनऊ में दोनों पर लखनऊ में एफ आई आर हुआ है और JNU में देश की बेटी को मारा गया और आप देखिए बेटियां घरों से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप लखनऊ से आई हैं, क्या हालात है लखनऊ के सबसे पहले? उधर क्यों बनाऊंगी मैं सब ये क्यों बोल रही थी मोबाइल थी किससे बोल रही थी जो हुकूमत ने हिंदुस्तान की आवाम योगी आदित्यनाथ कहते हैं मर्दों ने महिलाओं को सड़कों पर भेज दिया अपना लड़ाई कर रहा है क्या करना चाहिए बस लगातार हम खबर कर रहे हैं यकीन मानिए देश की बेटियां घरों से बाहर निकलकर बता रही हैं कि वो जिंदा हैं और जिंदा लोग सरकार से सवाल पूछा करते हैं लगातार नेशनल मीडिया सही खबरें नहीं देश को दिखा रहा है क्योंकि जो कई खबरें हम लगातार यहां से कर रहे हैं खबरें छुपी जा छुपाया जा रहा पूरा हिंदुस्तान सड़क पर है कैसे देख रही हैं आप कैसे मीडिया के ऊपर जो प्रेशर है 2014 से और थोड़ा सा और पीछे जाएं 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी ने या BJP ने अपना पैर पसार में शुरू किए थे देश में तो वो दबाव बनाते बनाते आज नौबत ये आ गई है कि लोग मीडिया का नाम सिर्फ मीडिया ना लेकर के लोग ही मीडिया लगते हैं तो एक मीडिया के लिए बहुत शर्म की बात है इनको निष्पक्ष होना चाहिए मैं खुद भी मीडिया बैकग्राउंड से हूँ एंड खुद जर्नलिस्ट मुझे मालूम है कि जब हम जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमको क्या सवाल पूछना है और क्या रखना है ये तय करना होता है लेकिन सब कुछ ताक पे रख दिया गया जिस तरह हुकूमत ने कानून को ताक पे रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख दिया उस तरह मीडिया ने भी अपने जो उसूल थे उनको ताक पे रख दिया और आज जो है असल चीज़ें असल मुद्दे ना दिखा करके वो क्या दिखाते हैं आप लोग मालूम है तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि हम इसको कांच का स्तंभ कहते हैं ये स्तंभ अगर मजबूत होगा तो आज ये बिल्कुल लगातार जो खबरें आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया पर ही हमने आपको नारा देखा चैनल पर देखा मैंने यहाँ देखा प्रोटेस्ट में कि 10 दिन से बच्चे से लेकर 100 साल की महिलाओं को देखा क्या खबरें हैं लखनऊ में शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर क्या चल रहा है वहाँ मनोहर राणा साहब को सुना उन्होंने कहा कि मेरी बेटी शेरनी है जो घर से बाहर निकल रही है वो प्रोटेस्ट कर रही है तो पापा शायद आपकी तबीयत भी खराब है क्या अपडेट है उनके बारे में पिछले दिनों काफी फीवर वगैरह आ गए शहर में भी तकलीफ है तो वो घर पर ही है दिन भर घूमती रह रहे भाई सब परेशानी है उनके ज़्यादा टाइम लगते और वो हमेशा यही कहते थे हक कोई राहें हक साथ कोई हमेशा रखना मुल्क के लिए लड़ना अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करना और मजलूमों के साथ करें अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हीं की दी हुई तबियत है तो आज कहीं ना कहीं भारत जो भी हम लोगों से टूटा फूटा हो सक रहा है हम लोग अपना काउन कर रहे हैं आप शाहीन बाग प्रोटेस्ट आई अभी तक क्या देख रहे हैं आप क्या मंडल दिख रहा है आपको यहाँ पर अभी तक तो आपने सोशल मीडिया या टीवी पर देखा होगा जहाँ आप खुद मौजूद हैं कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान कभी नहीं बच सकता इंशाल्लाह
बिल्कुल, मैं लगातार कह रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर है और लगातार नेशनल मीडिया देश से झूठ बोल रहा है, सही तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।